ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ये टॉपिक जो है आपका क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वियना। हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे ट्रीटी ऑफ वियना जो है क्यों हुआ था, इसमें किन किन देशों ने पार्ट लिया और इसमें ट्रीटी में जो है क्या क्या जो है डिसीजन लिए गए थे। चलिए जो है हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। ट्रीटी ऑफ वियना को जानने से पहले हमें थोड़ा जो है बैक में जाना होगा, नेपोलियन के बारे में जानना होगा। नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का जो है शासक बना था, रूलर बना, और ये जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है हार गया था। 1804 से 1815 तक इसने पूरे यूरोप में जो है उथल पुथल मचा रखी थी। पूरे यूरोप कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री जो है, नेपोलियन से परेशान थे और फाइनली जो है 1815 में नेपोलियन जो है वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। और वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद यूरोपियन कंट्री जो है आपस में मिल करके जो है एक ट्रीटी, मतलब यूरोप की स्थिति को जो है कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज करती है और वो ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानी गई। इस ट्रीटी को होस्ट करने वाला ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था। इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ वियना जो थी उसे होस्ट करने वाला ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था और इसने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके व्यू जो थे नेपोलियन से एकदम अपोजिट थे, डिफरेंस थे। ट्रीटी ऑफ वियना में जो पार्ट लेने वाले जो देश थे वो थे आपका प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। ट्रीटी ऑफ वियना में ये चार देश जो है मिल करके जो है ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में जो है ये मिलते हैं और वहाँ पर जो है ये लोग जो है यूरोप की स्थिति को जो है सुधारने के लिए, उसके कंडीशन को अच्छा करने के लिए ये लोग जो है ट्रीटी जो है ऑर्गेनाइज किए और ये ट्रीटी जो है वियना में हुई थी, इसीलिए जो है इसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों देश आपस में मिल करके जो है ये यहाँ पे जो है यूरोप के लिए जो है डिसीजन लेने के लिए जो है ये इकट्ठा होते हैं। और जब ये इकट्ठा होते हैं तो इसमें जो है फ्रांस को भी जो है पार्ट दिया गया था, फ्रांस को भी जो है मौका दिया गया था, लेकिन चार देश जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। फ्रांस को भी जो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत उसके बारे में, क्योंकि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का ही जो है शासक था और फ्रांस के वजह से ही पूरे यूरोप में जो है अफरा तफरी मची हुई थी, पूरा उथल पुथल कर रखा था, पूरे यूरोप के नक्शे को ही नेपोलियन ने जो है चेंज कर दिया था। और इस स्थिति को सुधारने के लिए ये चारों देश जो है एक जगह इकट्ठा हुए जो ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानी गई। अब हम लोग जानेंगे कि इस ट्रीटी ऑफ वियना में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे वो क्या क्या थे, मेजर पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट मेजर्स पॉइंट्स जो हैं वो क्या थे इस ट्रीटी ऑफ वियना में। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका है द बर्बन डायनेस्टी रिस्टार्टेड टू पावर इन फ्रांस। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि द बर्बन डायनेस्टी रिस्टार्टेड टू पावर इन फ्रांस। जैसा कि नेपोलियन जब शासक बना था तो उसके युद्ध में हार जाने के बाद फ्रांस में फिर से जो है बर्बन डायनेस्टी को जो है रिस्टार्ट कर दिया गया। मतलब नेपोलियन के बाद जो है बर्बन डायनेस्टी का ही जो है नेक्स्ट पर्सन को जो है रूलर बनाया गया और वो था लुई 18। नेक्स्ट है आपका द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने रूलिंग पीरियड के दौरान में जितने भी टेरिटरीज को जो है एनेक्सेस, मतलब कि फ्रांस में जो विलय किया था उसको जो क्या कर दिया गया, उससे छीन लिया गया। मतलब फ्रांस से के अंडरटेकिंग में जितने भी जो है टेरिटरीज थे जो नेपोलियन के द्वारा जो जिसका एनेक्सेशन किया गया था उसे जो है उसे फ्रांस से जो है वापस ले लिया गया। थर्ड पॉइंट है आपका द किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप। अब नीदरलैंड जो था उसमें जो है बेल्जियम को जो है इंक्लूड करके जो है एक नए तरीके से जो है उसे सेटअप किया गया। फोर्थ पॉइंट है अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन अ बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट एक्सपेंशंस इन फ्यूचर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपका कि सीरीज ऑफ स्टेट, मान लीजिए कि ये फ्रांस का एक नक्शा है, एज अ मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो फ्रांस का जो मैप था उसके चारों साइड जो है उसके बाउंड्रीज थे,
वहाँ पे जो सीरीज ऑफ स्टेट, नए नए स्टेट जो है आपका पावरफुल स्टेट को जो है फॉर्म किया गया, ताकि फ्यूचर में फ्रांस जो है अपने बाउंड्री को जो है एक्सटेंड ना कर पाए, क्योंकि बाउंड्री नेवर जो होंगे वो पावरफुल होंगे तो फ्रांस जो है इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए फ्रांस के बाउंड्रीज में नए नए जो है स्टेट, नए नए जो है आपके पावरफुल स्टेट को जो है आपका सेटअप किया गया, ताकि फ्यूचर में जो है आपका ये काम फ्रांस ना करे, अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, पर्शिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बाउंड्रीज। अब पर्शिया जो था उसे जो है इम्पॉर्टेंट नए नए टेरिटरीज जो है आपके वेस्टर्न बाउंड्रीज में दिए गए। सिक्स पॉइंट है आपका, ऑस्ट्रिया गॉट सम कंट्रोल ओवर नॉर्थन इटली। अब यहाँ पे जो है सभी देशों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। हम लोगों ने देखा फ्रांस जो है उसमें वापस जो है फ्रांस में जब बर्बन डायनेस्टी को जो है पावर दे दिया गया, नेपोलियंस के द्वारा जो भी क्षेत्र थे जिसे जो है एनेक्टेड किया गया था उसे जो है उससे वापस ले लिया गया था। फिर जो है नीदरलैंड में जो है बेल्जियम को इंक्लूड करके एक उसे पावरफुल जो है कंट्री के रूप में उसे बनाया गया, एक नया किंगडम्स बनाया गया। दूसरा है इसमें हम लोगों ने देखा कि बाउंड्रीज फ्रांस के नेवर में, फ्रांस के जो है बाउंड्रीज जो थे उसमें जो है पावरफुल स्टेट को जो है सेटअप किया गया, ताकि जो है फ्यूचर में वो अपना क्षेत्र का विस्तार ना करे। पर्शिया को भी जो है कुछ क्षेत्र दिए गए थे, तो अब ऑस्ट्रिया जो है वो क्यों बचता, क्योंकि मेन पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ऑस्ट्रिया ही था। तो ऑस्ट्रिया को जो है इटली का जो है नॉर्थन पार्ट जो था उस पर कंट्रोल मिल गया। जर्मनी के लिए क्या है कि जर्मनी कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वाज लेफ्ट अनटचेड। अब यहाँ क्या है, नेपोलियन के टाइम पे जर्मनी कॉन्फेडरेशन ऑफ 29 स्टेट का जो है आपका जो एक ग्रुप था उससे जो है नेपोलियन ने जो शुरू किया था, नेपोलियन के द्वारा जो है सही किया गया था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के दौरान जो है इससे जो है टच नहीं किया गया, मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, वो जैसा था उसे वैसा ही रखा गया। एट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि रशिया गॉट पार्ट ऑफ पोलैंड। अब रशिया जो है उसे पोलैंड मिल गया, तो हर जो देश था जिन कंट्री ने पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने जो पार्ट लिया था सभी को जो है कुछ न कुछ क्षेत्र जो है दिए गए और सभी को कुछ न कुछ बेनिफिट हुआ। हम लोगों ने जो है इस टॉपिक में, इस आज के वीडियो में जाना कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है क्यों हुआ था और ट्रीटी ऑफ वियना में किन किन देशों ने पार्ट लिया और उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग जो लोगों ने जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है और हमें मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए इस तरह से जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आती रहूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।